अंजनी पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है जिस पर नागपुर शहर के विभिन्न पुलिस थानों में 22 गंभीर प्रकार के मामले दर्ज हैं। हाल ही में जेल से छूटने के बाद वह फिर से अपराधों में सक्रिय हो गया है। आरोपी से दोपहिया वाहन और मोबाइल फोन चोरी की एक वारदात का खुलासा हुआ है। आरोपी की पहचान साइमन उर्फ शेट्टी एंथोनी फ्रांसिस के रूप में हुई है। आरोपी से एक दोपहिया वाहन और एक मोबाइल फोन सहित कुल 32,000 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी साइमन को 2 जुलाई को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था और उसी दिन से उसने सुयोग नगर में चौकीदारी का काम करने वाले निखिलेश कटरे की बाइक और उसके साथी का मोबाइल चुरा लिया। इस मामले में पुलिस ने भी जाल बिछाया और गश्त के दौरान आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास से चोरी की बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गाड़ी पार्क किया था मोटरसाइकिल और वो उधर काम कर रहा था, तो सवेरे जब वो उठा तो उसको पता चला कि अपनी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। ये जो ऑफेंस है ये साइमन एंथोनी इसने किया है, और फिर साइमन एंथोनी का उन्होंने सर्च शुरू किया तो साइमन एंथोनी शाम के समय एक जगह पे मोटरसाइकिल से जाते हुए मिला तो उसको पकड़ के ये गुने में ताबे में ले लिया। और ये जो आरोपी है ये 2 तारीख को ही सवेरे छूटा था जेल से और उसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफेंस के 22 गुने दाखिल है और बाहर आते ही उसने गुना किया था। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।